ऑक्सीजन डिंकल्स मेथड का केमिकल बनाने जा रहे हैं। ये हमने रख दिया है, 14.21 ग्राम का है, इसे जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने इसको जीरो कर दिया। अब इसमें लेना है हमें 364 ग्राम MnSO4। ग्राम है, 10 ग्राम और ले लेंगे, 182 ग्राम लेना है 500 ml ऑफ वाटर में। और ये हमने एक टेबल घुमा दिया, इसमें 10 ग्राम और लेना है। ये वहाँ से लेके आया है, अभी तुम वापस संभाल के आओगे। ये हमारे पास मैग्नस सल्फेट रिपेयर हो रहा है। अब हम बनाते हैं अल्कलाइन आयोडाइड सॉल्यूशन, 175 ग्राम KOH। एक बेस होता है जो काफी गर्म हो जाएगा। एक 110 ग्राम हो गया, अब 55 ग्राम और लेना है। बहुत गर्म हो गया, इसको करने के लिए एक्सेल है, काफी ज्यादा ही गर्म हो गया। कलर आ गया मैग्नेस सल्फेट का, इसमें पीपीटी बन रहा है। पीपीटी को हमें डिजॉल्व करना पड़ेगा, रिंस करना पड़ेगा किसी चीज से।
उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड स्कोर है, ये देना है। स्टार्ट सॉल्यूशन है, ये हीट होकर के बनेगा। सोडियम थायोसल्फेट और बनाना है, ये ऑलरेडी स्टॉक हमारे पास है, सोडियम थायोसल्फेट का स्टॉक हमारे पास ये बना हुआ है। अब किससे बनाना है? एन बाई 40 सोडियम थायोसल्फेट। एक बोतल ले आओ भाई, एक बोतल ले आओ, एक लीटर। मेजरिंग सिलेंडर देना। कितने का? 20 का दे दो। इसमें 800 पानी ले लो, एक 20 ml का भी दो। उसमें 800 ml पानी लेके दो। 20 ml स्टॉक लेना है, 20 ml स्टॉक हो गया। ये 780 ml इसमें हमने डाल दिया। ये बन गया हमारे पास एन बाई 40 सोडियम थायोसल्फेट। ये थ्री सीपीटेट आ गया है इसमें, इसको छानना। एन बाई 40 बना, एन बाई 40 की दवा थी बाहर है, ठीक है। कोई बात इस बटे मार्जिन स्टिकर स्टॉक सॉल्यूशन है। ओके, ये सारे केमिकल हमारे रेडी हो गए हैं, वो हो गया। प्रैक्टिकल सेशन के लिए जाएगा, कहाँ जाएगा? ये हो गया अल्कलाइन आयोडीन।